वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. और यस, ये न्यू ईयर की बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं टेलीविजन में वापसी कर रही हूँ और इतने अच्छे शो के साथ. एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. सो आई प्ले राधा इन द शो माई नेम इज लखन, कि जो एक फाइनाइट सीरीज़ है 26 एपिसोड्स के लिए, जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, एवरी सैटरडे संडे एट 7:30 PM. सो श्रेयस को हम जैसे ऑन स्क्रीन जानते हैं दैट ही हैज़ एन अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग, वो बिल्कुल वैसे ही है ऑफ स्क्रीन, कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ही इज़ एज चिल्ड आउट जो स्क्रीन पे दिखते हैं, और बहुत हम्बल एंड ग्राउंडेड, एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ स्टार, और इतने सालों से हम उन्हें देखते आए हैं. सो एंड सेम विथ परमीत सर एंड अर्चना मैम, की जो इतने सीनियर एक्टर्स हैं, तो द कास्ट एंड द टीम इज़ अमेजिंग, कि जब उनके साथ आप शूट करते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि वाई दे आर एट दैट स्टेज. सो येस, इट्स बीन अमेजिंग. वाई टेलीविजन? येस, बिकॉज टेलीविजन हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव. मैंने शुरुआत अपनी थिएटर से और उसके बाद तुरंत ही टेलीविजन से की थी. तो जो टीवी सीरियल शूट करने का जो माहौल होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट एवरी डे यू हैव अ डेडलाइन, और मुझे डेडलाइंस में एक्चुअली मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होता है. तो देयर इज़ अ थ्रिल एवरी डे एट वर्क, कि आज हमें ये करना है, आज हमें इतने सीन करना है. सो दैट इज़ वाई टेलीविज़न. और आराम से बैठने का मेरा कोई फंडा नहीं है लाइफ में. सो आई एम अ वर्कहोलिक. सो टेलीविज़न इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क. एंड ऑब्वियसली द शो, ऐसी स्टोरी लाइन बहुत टाइम के बाद आई, कि जिसमें सब कुछ है, एंड इट्स अ फुल फैमिली पैक मसाला एंटरटेनर. सो उसे ना करने का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. मैं हर रोज़, मैं एक्चुअली रियल लाइफ में थोड़ी ऐसी हूँ. नो. सो बहुत कुछ सीखा है, कि जैसे अबे शाणे. सो उसका यू नो, उसकी लैंग्वेज, लखन की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली रियल लाइफ में. आई विश कि मैं सबसे, आप लोगों से सबसे इस तरह से बात कर सकूं, बट नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम राधा, एंड राधा इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल. तो यस, ऐसे कुछ नुआंसेस है जो मैंने सीखे, और बस मज़ा आता है. सो अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी कि सोनी सब पे बहुत टाइम के बाद कुछ नया होने वाला है, जिसमें आप एवरी सैटरडे संडे 7:30 PM फ्रॉम द 26th of January आप माई नेम इज लखन देख सकते हो, कि जो एक फाइनाइट सीरीज़ है और सिर्फ 26 एपिसोड्स के लिए है, बट एट द सेम टाइम एवरी वीक वो स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होती है और वो इंटरकनेक्टेड होती है. इट्स नॉट एन एपिसोडिक सीरीज़. तो जो भी स्टोरी लाइन है आपको बहुत मज़ा आएगा, और नेक्स्ट वीक तक आप उसकी राह देखेंगे कि अगला क्या होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडी. इट इज़ नॉट अ कॉमेडी शो, इट इज़ अ मसाला एंटरटेनर. इट हैज़ ड्रामा, इट हैज़ एक्शन. आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि देयर इज लॉट मेनी एक्शन सीन्स, सो इवन द यूथ एंड द होल फैमिली कैन कनेक्ट टू इट. देयर इज़ रोमांस एंड जस्ट फुल पैक ऑफ एवरीथिंग. सो बहुत मज़ा आने वाला है. कोशिश तो वही है, यू नो, काम हमारा वही है, चाहे बॉलीवुड में हो या वेब सीरीज में हो या टेलीविजन पे हो. द आइडिया इज़ टू एंटरटेन पीपल, एंड आई होप विथ माई नेम इज लखन वी आर एबल टू एंटरटेन पीपल ऑल अक्रॉस. जो प्रोमो का रिस्पॉन्स मिला है, दैट हैज़ बीन वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. सो आई होप शो को भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिल गया. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बहुत बहुत नया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रिलेटेबल है. मतलब सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है. तो वो कॉन्सेप्ट पिछले 1-1.5 साल से परितोष और मैं डिस्कस कर रहे थे. फाइनली जब शांतनु ने, चैनल ने सुना, तो दे ऑल्सो गॉट वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू डू इट. बट ये रोल इज़ समथिंग दैट मैंने आज तक ऐसा रोल अटेम्प्ट नहीं किया है जो कम्प्लीट मेरे पर्सनैलिटी से कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग है. लखन इज़ एक्सट्रीमली एरोगेंट, उसकी ज़बान साफ़ नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. वो इस चीज़ में बिलीव करता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको रिस्पेक्ट से ज़्यादा डर होना चाहिए आपके लिए लोगों में. तो ये कन्विक्शन से वो चलता है, एंड देन देयर इज़ वन इंसिडेंट दैट कम्प्लीटली चेंजेस हिज लाइफ. तो वो चाहता नहीं है कि कुछ बदले, लेकिन चीज़ें बदलती है, और ये बदलने वाली जो चीज़ें हैं, दीज आर वेरियस वर्चूज़ दैट वी हैव, लाइक लव, फ्रेंडशिप, पेशेंस, डिसिप्लिन. तो ये सारी चीज़ें कैसे उसके लाइफ में बदलाव लाती है, इज़ वॉट द स्टोरी इज. एंड आई एम श्योर दैट यू नो, कोई भी चीज़, जैसे फिल्मों में भी हम देखते हैं कि
कोई भी चीज़ अगर आपको सिखानी हो या बतानी हो, आप जितने एंटरटेनिंग तरीके से बताओगे लोगों को उतना ज़्यादा समझ में भी आती है और रिलेट भी करते हैं. सो दैट इज़ द आइडिया. बॉलीवुड में एक लखन तो है, क्या आपको लगता है आप टेलीविजन के लखन बन पाएंगे? अरे वो जो लखन है वो आइकॉनिक है. मतलब लखन बोलते ही सबसे पहले हमारे सामने अनिल सर आते हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल बदल ही नहीं सकती. आई लाइक आई वॉज टेलिंग यू नो कि आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ऑनर्ड कि आई एम शेयरिंग दैट नेम ऑन स्क्रीन विद वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्टर्स दैट वी हैव. मैं अगर 50% भी वहाँ पहुँच पाया तो मैं अपने आप को बहुत समझूंगा कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया. बट ऑफकोर्स वो इतना आइकॉनिक कैरेक्टर उन्होंने किया है कि उसी नाम इतना तगड़ा है वो कि हमें भी लगा कि शो का नाम भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए. दैट्स द रीज़न इट इज़ माय नेम इज लखन. ओके, अर्चना जी के साथ काम करके और उनके हस्बैंड भी हैं साथ के साथ, मतलब कितनी मस्ती मतलब ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन? नहीं, बहुत बहुत. इनफैक्ट एक्टर्स तो खैर दोनों ही बहुत अच्छे हैं. अर्चना जी तो हम सब जानते हैं कि उनकी हंसी तो वर्ल्ड फेमस है, यू नो, तो हम भी बीच में उनको ऐसी जनरल कहते हैं कि हंस दीजिए थोड़ी देर. तो बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ग्रेट सेंस ऑफ कॉमेडी एंड वेरी गुड पीपल टू वर्क विद एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो, कि एक्टर अच्छा हो लेकिन इंसान बुरा हो तो फिर मज़ा नहीं आता. बट ये दोनों जब साथ में आते हैं, एक तो दोनों बहुत क्यूट है, यू नो, वो उनके जो पेट नेम्स हैं उनसे एक दूसरे को बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. मैं अभी बोलूँगा नहीं स्क्रीन पे, लेकिन आप कभी सेट पे अगर आ जाओ तो आप सुनेंगे खुद. तो बहुत अच्छा लगता है. वो हैं संजय नार्वेकर है, जयेश ठक्कर, प्लस कंचन पगारे, पवन जो मेरे दोस्त बने इसमें. आई थिंक एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पुट इन मोर देन देयर बेस्ट टू मेक श्योर दैट द शो बिकम्स एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग. वो एक्चुअली काफ़ी ऑन द स्पॉट किस्म की चीज़ थी. हम लोग जब वो गाना शूट कर रहे थे तो वी वर सपोज टू डू समथिंग एल्स एंड सडनली रोहित ने कहा कि एक काम करो, 5 के अनाउंसमेंट भी कर देते हैं इसी में. तो हमने फिर वो कर दिया. बट ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड. वी यू नो वन ऑफ आर बेस्ट टाइम्स दैट वी हैड वॉज शूटिंग गोलमाल अगेन. एक तो हम लोग 7-8 साल बाद सब लोग मिल के वापस कर रहे थे एंड जो रिस्पॉन्स फिल्म को मिला तो ऑफकोर्स रोहित को और हम सबको लगा कि 5वां पार्ट भी बनता है आना. सो रोहित इज़ वर्किंग ऑन इट. मेरे ख्याल से जब वो रेडी हो जाएगा तो हम सबको इमिडिएटली फ़ोन आ जाएगा कि चलो भैया काम शुरू करते हैं. और फिर हमारी नौकरी भी है, ऐसे कैसे चलेगा, वो तो उसको करना ही पड़ेगा. जाते जाते लखन की कोई सिग्नेचर लाइन है या डायलॉग है जो हमेशा लगता है? लखन का एक जो मुझे बेहद पसंद है बट मैं जानता नहीं मैं वो बोल सकता हूँ कि नहीं मतलब अभी. बट अदरवाइज अगर पूछो तो लखन का हर बात में ऐसे कुछ वो करता है कि अवन से ले नहीं सकता कोई भी टशन बिकॉज माय नेम इज लखन. क्या मैंने फिल्मों में काम किया है और मैं स्टेज करता हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हूँ और मराठी ड्रामा करता हूँ. ड्रामा मेरा पैशन है. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ड्रामा तुम्हें सिखाता है, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम. तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं सीखने के लिए आज भी तैयार हूँ. इसके लिए मैं ड्रामा आखिर वक्त तक करूँगा. जब मैं फिल्में कर रहा था तब सीरियल नहीं कर सकता था क्योंकि टाइम नहीं था. सीरियल एक 9-to-9 जॉब है. अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते उस कैरेक्टर को, उस सीरियल को, तो आप उस कैरेक्टर पर, उस सीरियल पर और अपने व्यूवर्स पर ही तुम अन्याय करते हो. क्योंकि तुमने अच्छी तरह से अगर वो रोल नहीं किया, प्ले नहीं किया, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. तो लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है. तो उसके लिए अगर उसके लिए टाइम नहीं था. और जब मेरे पास ये सीरियल आई और ये सीरियल वीकली है, सैटरडे संडे ही है और 26 एपिसोड, तो उसका एक लिमिट है, उसको एक बॉर्डर है. यहाँ तक ही इतने डेट्स देंगे तो ख़त्म हो रहा है. और उसमें कैरेक्टर को तुम प्लानिंग कर सकते हो कि इसका ग्राफ मैं ऐसा ऐसा करके यहाँ तक एंड है ना. तो मैं प्लानिंग कर सकता हूँ. और 26 एपिसोड है, इतने डेट्स भी कम हैं. तो मैंने कहा कि मैंने फिल्मों में मुसाफिरी की, मैंने ड्रामा में मुसाफिरी की, सीरियल में कभी की नहीं थी और मुझे करने थे. तो अगर ये मुझे गोल्डन चांस मिला तो मैंने वो ग्रैब किया. नहीं अभी ये शुरू हो रहा है क्योंकि अभी श्रेयस के साथ हुआ, अभी अर्चना मैम के साथ और उनके
उनके साथ अभी तक सीन नहीं आया, लेकिन ये सीनियर आर्टिस्ट है, पता है, हमने देखा है उनको, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनसे सीखने को भी मिल सकता है। तो मेरा अभी कब वो भाग्य होगा कि मैं उनके साथ काम करूं, अभी तक शुरू नहीं, लेकिन शेयर्स पहले से मैंने उसके साथ काम किया है, हम दोस्त हैं, दोस्त होने के नाते रैपो होता है आपका, तो बहुत ही काम करने के लिए ईजी पड़ता है, क्योंकि हम जब कुछ आइडिया शेयर करते हैं कि ये ऐसे करे वो ऐसे करे, तो तुम्हारा काम का एक लेवल बढ़ता है, अच्छा होता है। तो दोस्त होने के कारण, रैपो होने के कारण तुम्हारा काम करने में मज़ा आता है। नहीं है, मेरे 3 वेब सीरीज़ अभी शूटिंग चालू है, लेकिन उसके नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उन्होंने ये किया है कि बताओ नहीं, ओपन नहीं करना, बाद में करना है। तो 3 वेब सीरीज़ है। नहीं अभी अभी नहीं, ये अभी अभी शुरू हुआ है ना। हाँ, ये ओपनिंग है, एक ही एपिसोड हुआ उसका, अभी तक उतना टाइम नहीं हुआ है। आज के बाद शूटिंग चालू होगा, तो मैं आपके लिए रखूँगा 2-3 ऐसे कुछ किस्से। ये शो सोनी सब पर आ रहा है, सैटरडे संडे है, ये वीकली शो है, 7:30 बजे शाम को ये आएगा। व्यूवर्स को मैं इतना कहता हूँ कि हमने कुछ अच्छा देने का प्रयत्न किया है, ये कॉमेडी भी शो है, लेकिन सिर्फ कॉमेडी नहीं, इसको हमने एक फिल्म टच दिया है, उसमें एक्सप्लोजन भी है, और उसमें अलग अलग ट्राई आउट किए, हमने ट्राई किया है। अगर ये शो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारी पीठ थिपथिपाना, अगर बुरा लगे तो हमारा कान खींचना, वो तुम्हारा हक है, लेकिन उसके लिए ये शो देखना। माई नेम इज़ लखन। नहीं, प्रेशर तो नहीं है मुझ में, क्योंकि एक्टिंग होती है, वो ऐसे नहीं कि टीवी पर अलग करो, फिल्मों में अलग करो, स्टेज पे अलग करो, वैसा नहीं होता। प्रेजेंट, हाँ, टेक्निक वगैरह वो अलग होता है फिल्म का, टीवी का, लेकिन मुझे इस पे कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है कि हाँ एक्टिंग करना है बस। थैंक यू। ये सीक्रेट है, आपको बता रही हूँ मैं पहले। फर्स्ट टाइम कि घर में बहुत डांटते हैं ये, और अभी सेट पर भी बहुत डांटते हैं। काश वो दिन जब मैं इसको डांट सकता। कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती। देख, हमने ये इस सीरियल में हमको सब कुछ मिला। एक तो हम दोनों के रोल बहुत अच्छे, बहुत क्लियर कट रोल अच्छे हैं, ऊपर से को एक्टर बहुत कमाल का है, ऊपर से स्टोरी बहुत अच्छी है, चैनल बहुत अच्छा है सब सोनी, और अब पैसा भी है, तो हर किस चीज़ से हमको, हर चीज़ हमको जो चाहिए एक एक्टर को, वो हमको इस सीरियल में मिली, और इसलिए हमने ये किया। आई लव द कॉन्सेप्ट। जब भी मैं, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट सुना, हम दोनों ने फिर उसके बाद सुना, तो आई केप्ट टेलिंग ऐसे ये करना चाहिए। तो ही हैड सम टाइम का, कुछ कहीं जाना था, तो डेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर हमने सॉर्ट आउट कर लिया, एंड फाइनली वी बोथ आर वेरी हैप्पी, एंड हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं कि मम्मा यू नो वी आर गोइंग टू सी यू टुगेदर। तो वो एक साथ काम करने का जो अभी तक नहीं हुआ था, वो फाइनली हो गया इतने सालों बाद। आपका मतलब पंजाबी शांत नहीं हो सकते? मैं पंजाबी हूँ, मेरे पिताजी से मिलेंगे, वो मेरे से भी ज्यादा शांत है, और वो तो सरदार है, मतलब पगड़ी वाले सरदार, तो हीज अंकल तो बहुत ही शांत है। हाउ टिपिकली वी कैरिकेचर हो जाता है हर चीज। नहीं, ये ही शांत, और मैं तो पंजाबी हूँ भी नहीं, मैं तो राजपूत हूँ एक्चुअली, लेकिन मैंने इतनी बार ऐसा किरदार निभाया कि अब सब लोग सोचते हैं मैं पंजाबी हूँ। मैं पंजाबी बाय बर्थ हूँ, ये पंजाबी बाय कर्म। तो मेरा नेचुरल नेचर ऐसा है, लाउड और यू नो ओवर एंथुजियास्टिक अबाउट एवरीथिंग, और ये है एक्चुअली वाकई शांत। सो हमको ज़्यादा एक्टिंग करनी नहीं पड़ रही है। रियल लाइफ में मैं ऐसा कुछ पहनती ही नहीं, मतलब मैं ज़्यादातर जीन्स, टी शर्ट या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस, तो मुझे ऐसे लिबास हमेशा मैं किरदारों में ही करती हूँ। मैंने फिल्म मोहब्बतें में भी ऐसा कुछ पहना था, और मुझे अपना वो लुक पसंद है, और बहुत सारे फैंस को भी वो पसंद आया। तो एक जो मेरा किरदार है वो पम्मी लाउड है, वो बहुत दिलदार है, तो उस किस्म की जो कैरेक्टर है, नेचर वाली लेडी है, वो अगर पहने तो कैसा पहने, तो लाउड, मतलब कलर ब्राइट होना चाहिए, और दुपट्टे में भी गोटा वोटा, जो आई थिंक मोस्टली जो पीपल हु लव टू लिव लाइफ ना, वो दे लव टू ड्रेस अप ऑल्सो, तो घर में भी मोस्टली वो ऐसे ही पहनती है, और चोटी है जो वो परांदी के साथ, यू नो, और लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, पेंडू है। सम कैरेक्टर मेरी, कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं जो ऐसे लाउड हैं, तो उनको ना घर में भी खूब बन ठन के रहना सहना पसंद है।
सो इस किस्म की ड्रेसेस होंगी जिसमें पंजाबी पना थोड़ा यू नो विद अ टच ऑफ थोड़ा सोबरनेस ऑल्सो, मतलब ये नहीं कि यहाँ तक ज्वेलरी पहनी यहाँ तक और इतने बड़े बड़े झुमके, लेकिन ये पंजाबियों की खासियत बालियाँ होती है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इस किस्म का लुक होगा। और आगे आगे अगर मैं साफ बता दूंगी तो फिर शो नहीं देखोगे ना, तो आप शो देखिए। लुक बदलता भी है, गा के सुना दूँ गाना बोल सकता हूँ मैं, वो जुगनी गाते ना, जुगनी जा बड़ी कलकत्ते, क्या गाना क्या है मुझे पूरे पता नहीं है, लेकिन दैट्स द सॉन्ग, वो गाना। एक बार किसी ने बोला गाना गा के सुना दो, ये भी नहीं कर सकता। अब तो गाना है, किस किस्म का हस्बैंड है, मुझे गाना बोल दे कौन सा गाऊं, कोई बस सजेस्ट कर दो कोई गाना। नहीं वेट करिए, एक्चुअली मैं नहीं गाने वाला, मैं तो वेट करती रहूंगी, अब तो मैं घर जाकर बताऊंगी मैं गाना ही नहीं गाया तूने मेरे लिए, एक भी गाना नहीं आया। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं गा सकता। Hi, I'm Isha Kansara and keep watching Tele Reporter.